अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसगार्ड कंपनी फ़ीमेल के लिए कैसी है, क्योंकि मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे फ़ीमेल के, पूछ रही थी कि यार कंपनी कैसी है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या देख रही हैं, तो मैं ट्रांसगार्ड से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन मैं रात के टाइम यानी 7-8 बजे के टाइम मैं लाइव आता हूँ और लाइव जो है ना लोगों के क्वेश्चन के आंसर करता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप फिर भी कोई और क्वेश्चन मुझसे करने हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो जी बाकी बात स्टार्ट करते हैं ट्रांसगार्ड कंपनी की, कि ट्रांसगार्ड कंपनी फीमेल्स के लिए कैसी है। उससे पहले मैं ये बात करूँगा कि पाकिस्तान में हम लोग जो है ना ये सोचते हैं कि यार लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर ट्रांसगार्ड कंपनी में, पाकिस्तान नेपाल हर कंट्री की लड़कियां हैं, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि लड़की को होना चाहिए इंडिपेंडेंट, चाहे उसके घर में कोई कितना ही अर्न करता हो, उसके घर के मर्द जो हैं वो कितना ही कमाते हो, लेकिन उसे भी है ना अपने लिए है ना कोई सोर्स ऑफ इनकम उसका भी होना चाहिए। यहाँ पर लड़कियाँ बहुत सारी आती हैं ट्रांसगार्ड कंपनी में, और यहाँ पर अलग से कैम भी हैं। सबसे पहले मैं ट्रांसगार्ड कंपनी की जो है ना रिहाइश उसकी बात करूँगा कि वो कैसी है। देखिए जी, यहाँ पे लड़कियों की है ना अलग बिल्डिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब यहाँ पे दो बिल्डिंग्स हैं, एक लड़कों की है एक लड़कियों की है, दरमियान में दीवार है, ठीक है। लड़कियाँ इधर तो आ सकती हैं क्योंकि यहाँ पे टक शॉप है, ATM है, लेकिन लड़के इस साइड पर नहीं जा सकते, बहुत रिस्ट्रिक्शन हैं, यानी बहुत टफ है इस मामले में, ठीक है। लड़कियों की पूरी सेफ्टी है यहाँ पर, रिहाइश अच्छी है यहाँ पर। खाने का मुझे कंफर्म नहीं है कि इन्होंने खुद लड़कियों को किचन दिए हुए हैं या खुद बना के देते हैं, इस चीज़ का मुझे कंफर्म नहीं है, तो इसके बारे में कोई बात मैं नहीं करूँगा, ठीक है। और अब बात आती है जी माहौल की, माहौल यहाँ पे बहुत अच्छा है ट्रांसगार्ड कंपनी में। मेरे ख्याल से ट्रांसगार्ड कंपनी जो है ना लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट कंपनी है दुबई में। दूसरी बात आ जाती है जी, अब यहाँ पर काम कौन से होते हैं लड़कियों को। लड़कियाँ जी क्लिनिंग में होती हैं, जैसे मेट्रो क्लिनिंग है, सही है, होटल क्लिनिंग है, एयरक्राफ्ट क्लीनिंग है, सब शोबे में लड़कियाँ होती हैं। एयरपोर्ट लोडर में भी हैं, सिक्योरिटीज में भी हैं, यानी जो जो काम लड़कों के हैं ना उन सब काम में लड़कियाँ भी यहाँ पे हैं, सही। सैलरीज अच्छी हैं, और दूसरी बात ये है कि माहौल यहाँ पे अच्छा है, ठीक है। अब सैलरीज की बात आ जाती है, तो सैलरी का मुझे कन्फर्म नहीं है, क्योंकि बात वो करें जो आपको पता हो। बेसिक जो बात थी बताने का रीज़न था वो यही था कि आप लोगों को ये मैं कंफर्म कर दूं कि लड़कियां हैं ना लड़कियों के लिए सबसे अच्छी कंपनी है यहाँ पे। अगर आपने वीज़ा लेने हैं तो आपको एजेंसी से वीज़ा मिलते हैं, डायरेक्ट ये कंपनी वीज़ा नहीं देती है, आपको पहले बता दूँ, ठीक है। अगर आप लोग आना चाहती हैं तो ज़रूर आएँ। और इस वीडियो का मकसद भी सिर्फ यही है कि ये बताया जाए उन लड़कियों को, जिन लड़कियों के दिल में सवालात हैं बहुत सारे कि ट्रांसगार्ड कंपनी में पसंद कैसी होगी यार, लेकिन बहुत अच्छी कंपनी है, मैं आपको ये कहूँगा। अगर आप लोगों ने आना है तो ज़रूर आएँ। दूसरी बात यह है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आपकी फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं जो भी हैं, उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि जो फ़ायदा आप लोगों को हो रहा है उन लोगों को भी हो। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपने मुझसे और सवाल करने हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, और मैं लाइव सेशन भी करता हूँ फ्राइडे वाले दिन, तो उस पर उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें, आपको मैं लाइव जो आपके क्वेश्चन होंगे उनका आंसर करूँगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, कोई और टॉपिक से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन करना हो तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।